नमस्कार साथियों। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, जो भारत और श्रीलंका के संबंधों और जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ श्रीलंका में उससे संबंधित है। पड़ोसी देश श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के उम्मीदवार गोटबाया राजपक्षे की जीत ने एक बार फिर से देश की राजनीति की दिशा बदल दी। राजपक्षे ने यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा को 13 लाख वोटों से हराते हुए यह साबित कर दिया कि उनकी पार्टी SFP और राजपक्षे परिवार का दबदबा अभी भी पहले ही की तरह ही कायम है। श्रीलंका में 2005 से 2015 तक SFP सत्ता में रही थी और तब गोटबाया के बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति थे और उनके शासनकाल में गोटबाया 2 साल रक्षा मंत्री भी रहे थे। इस चुनाव में SFP की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि श्रीलंका के सिंघल बहुल दक्षिणी हिस्से में राजपक्षे की पार्टी फिर से ताकतवर बनकर उभरी है। हालांकि देश के मुस्लिम और तमिल बहुल इलाकों में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को खासी हार का सामना करना पड़ा। इससे यह भी साफ है कि देश में लंबे समय से तमिल समुदाय व अल्पसंख्यकों और सिंगलियों के बीच जो वैमनस्य चला आ रहा है उसकी खाई अभी तक पटी नहीं है। यह तो ठीक है कि महिंद्रा राजपक्षे के भाई के नाते श्रीलंका के राजनीति में गोटबाया का दबदबा बढ़ता गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा उन्हें जिस बात के लिए जाना जाता है वह है देश से मुक्ति चीतों का सफाया। राजपक्षे मूल रूप से फौजी अफसर रहे और तमिल इलाकों से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के सफाए के अभियान को उन्होंने अंजाम तक पहुँचाया, इसलिए वे श्रीलंका में टर्मिनेटर के नाम से भी प्रख्यात हैं। सिंगली बौद्ध समुदाय में भी महानायक के रूप में देखे जाते हैं, तो तमिल समुदाय में उन्हें आज भी खलनायक के तौर पर ही देखा जाता है। यही वजह है कि तमिल बहुल इलाकों में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जीत का मुंह नहीं देख पाई। सवाल यह है कि क्या नई सरकार का तमिलों के प्रति पहले जैसा दोषपूर्ण रवैया रहेगा या फिर वक्त के साथ उसमें कुछ उदारता देखने को मिलेगी। श्रीलंका में सिंघलियों और मुसलमानों के बीच होते रहने वाले संघर्ष भी देश के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं है। श्रीलंका में पिछले साल चर्च पर जिस तरह से आत्मघाती हमले हुए और इसके पीछे इस्लामी आतंकवाद का हाथ माना गया, उससे भी नई सरकार को निपटना है। सिंघलियों को लगता है कि गोटबाया राजपक्षे ने जिस तरह से LTTE का सफाया किया उसी तरह से वे इस्लामी आतंकवाद से भी निपट पाने में सक्षम होंगे। श्रीलंका एक मात्र पड़ोसी देश भारत है श्रीलंका का, इसलिए गोटबाया का सत्ता में आना भारत के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी अर्थ भी है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि श्रीलंका में एक बार फिर से चीन समर्थक सत्ता की वापसी हुई है। महिंद्रा राजपक्षे ने भी अपने 10 साल के शासनकाल में चीन के साथ गहरी दोस्ती निभाई थी और हम्मनटोटा बंदरगाह का निर्माण कर हिंद महासागर में चीन की सैन्य गतिविधियों के लिए स्थायी रास्ता बना दिया था। अब भारत के दो पड़ोसी नेपाल और श्रीलंका में चीन समर्थक सरकारें हो गई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन के प्रति प्रेम जग जाहिर है, फिर भारत श्रीलंका में रहे तमिलों के हितों को यह अनदेखी नहीं कर सकता है। यही वजह है कि श्रीलंका की नीतियां सुरक्षा और सामरिक कारणों के अलावा भारत की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करती हैं। ऐसे में श्रीलंका की सरकार भारत के प्रति क्या रुख रखती है यह आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो इस हमारा एक आर्टिकल था।